गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, बंसा क्लासेस राउरकेला में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चैप्टर स्टार्ट कर दिया था लास्ट क्लास में, और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग उसमें स्टार्ट करेंगे आगे का पार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस जो होता है इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल। ये मेजर पार्ट होता है, ठीक है ना। लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट एंड इसेंशियल पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है। और इसको बोलते हैं डायरेक्टर या फिर मास्टर ऑफ द सेल, क्योंकि न्यूक्लियस की मदद से ही सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं, ठीक है। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये स्ट्रक्चर देख रहे हो आप सेल का, ये सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है। इसके अंदर साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट है, ठीक है। साइटोप्लाज्मा, ये लिक्विड मटेरियल साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट है, इसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्मा, ठीक है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले इस न्यूक्लियस को क्या किया था? डिस्कवर किया था, ठीक है। चलिए, अब न्यूक्लियस जो होता है ना, दो सेल होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट हो, यानी कि प्रिमिटिव सेल, यानी कि बैक्टीरिया, ठीक है। यूकैरियोटिक, जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, जैसे कि लिविंग बींग्स, ठीक। अब देखो, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है, ठीक है। और इसके पास क्या प्रेजेंट नहीं होती? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉइड बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसमें चार चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। एक होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्मा और क्रोमोसोम, ठीक है। एक न्यूक्लियस के अंदर ये चार चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आउटर लेयर होती है, बाइलेयर होती है ये, इसको न्यूक्लियर इन्वेलप भी बोला जाता है। ये पूरे न्यूक्लियस को कवर करके रखती है, ठीक है। देखिए, न्यूक्लियर इन्वेलप। उसके बाद इसके अंदर क्या होते हैं? कई पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या काम करते हैं? एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा के बीच में जो मटेरियल है वो आपस में एक्सचेंज होता है इन पोर्स की मदद से, ठीक है। उसके बाद आता है न्यूक्लियोप्लाज्मा। न्यूक्लियोप्लाज्मा क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है, और इसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब जो न्यूक्लियोप्लाज्मा होता है, यानी कि जो उसका फ्लूइड होता है, इसके अंदर वाटर भी होता है, शुगर भी होता है, कई मिनरल्स भी होते हैं और बहुत सारे एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम बात करें न्यूक्लियोलस की, ठीक है। ये इसके अंदर क्या होता है कि स्फेरिकल बॉडी होती है, ठीक है, इस तरीके की। और ये किससे कंपोज होती है? कंपोज्ड ऑफ आरएनए, ठीक है। ये आरएनए से कंपोज होती है और इसको क्या बोलते हैं? एंड इज राइबोसोम फैक्ट्री। ये सबसे ज़्यादा राइबोसोम को डेवलप करती है, ये राइबोसोम का फॉर्मेशन कराने में हेल्प करती है। और एक बात बताते हैं, राइबोसोम जो होता है वो क्या काम करता है? राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। तो राइबोसोम पता चल गया। अब आता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम एक तरीके से हेरिडिटरी यूनिट होता है, यानी कि वो क्या करता है? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर कराने में हेल्प करता है, ठीक है। यानी कि पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है। तो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स एक जनरेशन से अपने न्यू जनरेशन में कैसे जाते हैं? वाया क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये दे रखा है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है? ये सेलुलर एक्टिविटीज़, यानी कि बॉडी के अंदर, सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सबको क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। क्रोमोसोम क्या काम करता है? हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र कराने में हेल्प करता है। और
सेलुलर रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ये आपका न्यूक्लियस का फंक्शन हो गया। अब आता है टाइप्स ऑफ सेल। सेल दो टाइप की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होती है जो प्रिमिटिव, जैसे मैंने आपको बताया प्रिमिटिव सेल, जिसके पास न्यूक्लियस तो है लेकिन वो वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, ठीक है, उसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक। जैसे एग्जांपल आ गया आपका बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। अब आता है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं? वो सेल जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो कहलाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। एग्जांपल हो गया मैन, एलिफेंट, अनियन एक्सेट्रा, ठीक है, वेल डेवलप यूकैरियोट्स। अब आ जाओ, ये एक प्लांट सेल है, एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर क्या दे रखे हैं, डिफरेंस दे रखे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, जनरली कैसा होता है साइज में, साइज जनरली 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है, और इसका यूकैरियोटिक साइज 1 to 100 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है थोड़ा रिलेटिवली रिजिड होता है, ठीक है ना, और उसके अंदर वैक्यूल एब्सेंट होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मोर फ्लूइड होता है और वैक्यूलेट होता है। वैक्यूल्स मतलब जो चीज़ों को स्टोर करती हैं, वैक्यूल्स के अंदर क्या होता है, चीज़ें स्टोर होती हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हो वैक्यूल बना हुआ है, ब्लैंक बड़ा स्पेस सा दिख रहा है स्ट्रक्चर के अंदर। सेल के अंदर ये एटलीस्ट 70-80% पार्ट को कवर कर लेता है, ठीक है। एक सेल, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके अंदर ये 70-80% पार्ट कवर कर लेता है, ठीक है, और इसके अंदर चीज़ें स्टोर होती हैं वैक्यूल्स के अंदर। अब प्रोकैरियोटिक के अंदर आपको कोई भी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में सब प्रेजेंट होगा। यहाँ पे मेम्ब्रेन और ऑर्गेनल्स जो मैंने बोला गॉल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब एब्सेंट, यहाँ सब प्रेजेंट होंगे। इसके अंदर 70S टाइप का राइबोसोम होता है, इसके अंदर 80S टाइप का राइबोसोम होता है। इसका एग्जांपल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा सब प्रोकैरियोट्स हैं। इसमें हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स और एनिमल्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही अब इसको एक बार दोबारा से यहाँ से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक बार आपको वापस से रिवाइज कर देता हूँ। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये चैप्टर था हमारा। तो सबसे पहले क्या हो, सेल क्या होता है, सेल होता है बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। और सेल का जो स्टडी क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे एंटोनी वॉन लिवेनहॉक। सबसे पहले एंटोनी वॉन लिवेनहॉक ने एक क्या बनाया था, एक माइक्रोस्कोप डेवलप किया था, ठीक है, जिसकी मदद से रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने सेल को डिस्कवर किया था। वो सेल कौन सी थी, डेड सेल थी, ठीक है, लेकिन लिविंग सेल कौन डिस्कवर किया था, एंटोनी वॉन लिवेनहॉक, ठीक है। उसके बाद रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर करी थी वो अपनी बुक माइक्रोग्राफिया के अंदर भी उसको उन्होंने लिखा था। फिर आया साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था। उसके बाद जेई परकिंजे नाम के साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने क्या बताया था, प्रोटोप्लाज्मा के बारे में बताया था, जो एक लिविंग फ्लूइड सब्सटेंस होता है सेल का, ठीक है। अब क्या होता है, सेल के स्ट्रक्चर शेप वगैरह होते हैं, तो सेल का आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, मैंने आपको उस दिन बताए थे। अब बात करते हैं साइज ऑफ सेल में, तो स्मॉलेस्ट सेल का उतना होता है 0.1 to 0.2 माइक्रोमीटर की होती है। सबसे कहाँ पाई जाती है, बैक्टीरिया के अंदर और सम माइकोप्लाज्मा के अंदर एग्जाम्पल, ठीक है। लार्जेस्ट सेल किसकी होती है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच का होता है, ठीक है, जो 6 inch का होता है, डायमीटर में 3 inch का होता है, ठीक है। लार्जेस्ट ह्यूमन सेल के बारे में बात करें तो फीमेल ओवम होता है 0.01 mm इन डायमीटर। स्मॉलेस्ट सेल बात करें तो RBC होता है, ठीक है। अगर देखें सेल दो टाइप की होती है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ठीक है। सिंगल सेल होती है यूनिसेलुलर, कई सारी सेल्स मिलकर बनती हैं उसको बोलते हैं मल्टीसेलुलर। एग्जांपल रखा है मोस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और यूनिसेलुलर में क्लैमाइडोमोनास एंड पैरामीशियम अमीबा, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सेल अगर देखें, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस, ये सब प्रेजेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, आउटिंग कवरिंग लेयर होता है, थिन होता है, ठीक है, पोरस होता है। ये क्या काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल को एक्सचेंज कराने में हेल्प करता है, ठीक है।
उसके बाद साइटोप्लाज्मा ट्रांसपेरेंट होता है, जेड लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। और उसके बाद आपके ये ऑर्गेनल्स जो मैंने आपको बताए थे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, गॉल्गी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, इन सब का फंक्शन बताया था। तो ये आपका सेल चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। इस चैप्टर में आपके रिगार्डिंग कुछ भी आपको समस्या हो, प्रॉब्लम है, सब पूछ लेना, इसको अच्छे से लर्न कर लो। मैं भी क्वेश्चन दे रहा हूँ कुछ आपको करने के लिए, आपको वो भी करने हैं, ठीक है। ये वीडियो बंसल क्लासेस राउरकेला उड़ीसा का वीडियो है, आपको कोई भी दिक्कत हो पूछिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला चैप्टर क्या है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लीजिए, कोई दिक्कत हो मेरे से पूछ लीजिए। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय।